आरटीई की राशि का समय पर भुगतान नहीं होने की वजह से जिले भर के निजी स्कूल संचालकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते उन्होंने मध्य प्रदेश प्रांतीय शासकीय शिक्षा संस्था के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से आरटीई राशि के भुगतान का प्रपोजल तैयार किया गया है, जिसकी वजह से ना तो विद्यार्थियों के फिंगरप्रिंट आ रहे हैं और ना ही आधार कार्ड अपडेशन हो रहा है। पोर्टल के सही ढंग से काम नहीं कर पाने की वजह से आरटीई के काम में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश प्रांतीय स्कूल शिक्षण संस्था संघ के पदाधिकारियों ने मांग की है कि बायोमेट्रिक सिस्टम की प्रणाली को बंद किया जाए जब तक कि पोर्टल सही ढंग से काम नहीं किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि 4 दिनों में समस्या का समाधान नहीं किया गया तो भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा। आपका शुभ नाम क्या है और किस संबंध में ज्ञापन दिया जा रहा है आज? मैं दिलीप शर्मा, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश प्रांतीय अशासकीय शिक्षण संस्था संघ भोपाल जिला शाहजहाँपुर। अशासकीय विद्यालय संचालकों को आरटी के भुगतान में सरकार द्वारा जो परेशान किया जा रहा है उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। सरकार ने बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा आरटी भुगतान के प्रपोजल बनाने का प्रावधान लागू किया है, जिसमें कई बच्चों के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं, आधार अपडेट नहीं हो रहे हैं, सरकार द्वारा साइट बंद है, साइट चालू नहीं की जा रही है, पोर्टल सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है, जिससे पालक बच्चे और स्कूल संचालकों को परेशान होना पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और कलेक्टर महोदय को और शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मांग की गई है कि हमें अग्रिम भुगतान किया जाए और बायोमेट्रिक सिस्टम जब सही प्रकार से कार्य करने लगे तब उस राशि को वो समायोजित करें। यदि हमारी मांगे 4 दिवस के अंदर नहीं मांगी गई तो हमें भोपाल में उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। जिले के सभी स्कूल संचालक साथी परेशान हो रहे हैं बायोमेट्रिक को लेकर? जिले के सारे स्कूल संचालक, वरन में तो ये कहूँगा पूरे मध्य प्रदेश का संचालक परेशान। ठीक है, धन्यवाद।